नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी को मिला आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022, सबसे ज्यादा आयुष्मान खाता खोलने वाला दूसरा राज्य बना यूपी। सीमेंट उत्पादन का हब बनेगा पूर्वांचल का गोरखपुर, पूर्वांचल की पहली फैक्ट्री गीडा में हुई स्थापित। बाजरा किसानों के लिए बड़ी घोषणा, सीधे किसानों से खरीदी जाएगी बाजरे की फसल। यूपी में 10 से 12 फरवरी तक चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 10 लाख करोड़ डॉलर निवेश का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश को मिला 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार। लता जी के बाद अब अयोध्या में रामानंदाचार्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास के नाम पर भी बनेगा चौक। और अब खबरें विस्तार से। कमजोर आय वर्ग वाले हर व्यक्ति को फ्री में इलाज उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्राथमिकता राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा रही है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश करीब 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य बन चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। केंद्र सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत हर एक पात्र व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। यूपी सरकार ने योजना में 365 इलाज पैकेज और जोड़े हैं, जबकि 832 पैकेज में अन्य बीमारियों के इलाज की संख्या को बढ़ाया गया है। इलाज कवर पैकेज को 1,592 से बढ़ाकर 1,957 कर दिया गया है। नए पैकेज में किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा दी गई है। इसके लिए एम्स नई दिल्ली, टाटा मेमोरियल मुंबई और PGI चंडीगढ़ जैसे बड़े अस्पतालों को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रोस्टेट कैंसर, स्कल बेस सर्जरी और डबल वॉल्व रिप्लेसमेंट जैसी कई सारी बीमारियां कवर की जाती हैं। हालांकि जो बीमारियां आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य दायरे से बाहर हैं, उनकी लिस्ट काफी छोटी है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। पूर्वांचल की पहली सीमेंट फैक्ट्री गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा क्षेत्र में स्थापित हो चुकी है। स्टील उद्योग में पांव जमाने के बाद गैलेंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट उद्योग में कदम रखा है। 150 करोड़ रुपए का निवेश करके गीडा में आधुनिक सुविधा संसाधनों से युक्त सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई है। मशीनें विदेश से आई हैं। इसकी मदद से हर महीने 60,000 टन सीमेंट बनाया जाएगा। सीमेंट का उत्पादन इसी महीने से शुरू हो सकता है। इसके जरिए गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल के अलग अलग जिलों में सीमेंट की आपूर्ति की जाएगी। इससे गोरखपुर में औद्योगिक विकास की रफ्तार और तेज होगी, निवेश की संभावना बढ़ेगी। सीमेंट हब में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 400 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। आपको बता दें कि गैलेंट समूह के 2 स्टील प्लांट हैं। पहला गुजरात के कच्छ में और दूसरा गोरखपुर के गीडा में। इन दोनों प्लांट से सालाना 10 लाख टन स्टील बनाया जाता है। इन प्लांटों में 5,000 कर्मचारी काम करते हैं। समूह का सालाना टर्नओवर 4,000 करोड़ रुपए है। गैलेंट समूह की एक और कंपनी है जो की आटा तैयार करती है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मक्के के साथ साथ अब बाजरा के खरीद के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश में पहली बार बाजरा की खरीद सरकारी केंद्रों पर की जाएगी। इसके लिए MSP भी तय कर दी गई है। बाजरे का MSP 2,350 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, तो वहीं मक्के का MSP 1,962 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये खरीद जारी रहेगी। इसके लिए किसानों को किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या फिर मोबाइल से खाद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। किसानों को मक्का और बाजरा खरीद का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। पर ध्यान रहे, जिस भी खाते में खरीद का भुगतान आपको किया गया हो उसे आधार से जरूर लिंक करा लें। इसके अलावा अगर खरीद संबंधी किसी भी तरह की परेशानी सामने आती है तो सरकार द्वारा दिए गए इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर संबंधित जिले के जिला खाद मार्केटिंग अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय मार्केटिंग अधिकारी या ब्लॉक के मार्केटिंग निरीक्षक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले जो बाजरा की खरीद होती थी वो MSP पर नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से किसान को सही मार्केट नहीं मिल पाता था और किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती थी। पर अब सरकार के इस फैसले से खरीद MSP पर होगी और किसानों को सही मार्केट भी मिल सकेगा, जिससे किसान बाजरे की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी हो सकेंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर।
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। समिट के माध्यम से यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से निवेश में भारी भरकम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीदरलैंड, कनाडा, यूएसए, जापान, इजराइल, स्वीडन, थाईलैंड, फ्रांस और सिंगापुर जैसे 19 देशों के 21 शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे और इनके आयोजन में फिक्की और CII जैसे औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। रोड शो के माध्यम से बेहतरीन औद्योगिक माहौल के साथ साथ संस्कृति की भी ब्रांडिंग की जाएगी। गौर करने की बात है कि जिन देशों से अधिक निवेश की बड़ी उम्मीद है वहां मुख्यमंत्री खुद जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय रोड शो के साथ साथ दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में भी रोड शो आयोजित किए जाएंगे। समिट के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए अलग अलग टीमें गठित की जाएंगी और साथ ही लैंड बैंक का भी विस्तार किया जाएगा ताकि जो भी निवेशक यहां आए उन्हें निवेश के लिए भूमि की कोई समस्या ना हो। और अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी खबर की ओर। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 समारोह में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का ये पुरस्कार वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ग्रहण किया। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उल्लेखनीय है कि राज्य में फिल्म सिटी का विकास किया जा रहा है, साथ ही फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में फिल्मों के शूट करने पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। फिल्म निर्माण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में विपुल संस्कृति और धरोहर मौजूद है। प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला, समृद्ध परंपराओं और स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनाता है। ये राज्य फिल्म निर्माण की दृष्टि से एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म नीति लागू की गई है। इस नीति में प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को विभिन्न सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। और अब बढ़ते हैं अपनी छठी और आखिरी खबर की ओर। हमारी छठी खबर रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई है। हाल ही में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया गया। नया घाट के पास चौराहे को विकसित करते हुए इसे लता मंगेशकर चौराहा नाम दिया गया। पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े प्रमुख संतों के नाम से भी चौराहे बनाए जाने की घोषणा कर दी है। रामनगरी अयोध्या में अब रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि व संत तुलसीदास के नाम पर भी भव्य और आधुनिक चौराहा बनाया जाएगा। सीएम योगी का कहना है कि जिस तरह से लता चौक को इतना भव्य बनाया गया है उसी तरह अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम से उन चौराहों के निर्माण का काम किया जाएगा और उम्मीदन अगले एक साल के अंदर इस काम को पूरा करके अयोध्या के सौंदर्यीकरण को एक नई ऊंचाई प्रदान की जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।